हम ये आयल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये जैतून का आयल है 4 यूरो 42 सेंट में। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है पुर्तगाल में जो बेसिक सैलरी है 760 यूरो है, और 760 यूरो में जब आप शॉपिंग करते हो खाने पीने की चीज़ें और ये बोतल वगैरह रेडबुल वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे ये कितने की हैं, और ये सारी चीज़ें खरीद के और अगर आप फैमिली के साथ हो आपका पुर्तगाल में गुजारा हो जाता है 760 यूरो में या नहीं। और जब आप आते हैं तो जनाब बच्चों को इन गलियों में ना लेके आए, और ये हमारे वीर जी हैं अपने इंडियन भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट में, कोशिश करने से सब कुछ होता है ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज मैं आपको दिखाने लगाऊँ कि पुर्तगाल में अगर आपने ग्रोसरी का सामान लेना है, किराने का सामान लेना है लीडल से कॉन्टिनेंट से तो कितने पैसे लगते हैं। मैं छोटी छोटी कोई चीज़ें लूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि महंगाई कितनी हद तक होगी अब पुर्तगाल में, लेकिन पूरे यूरोप में पूरी दुनिया में ही महंगाई होगी है। लेकिन हाँ मैं आपको पुर्तगाल का बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये कहते हैं फैमिली वाले कि अगर हम पुर्तगाल में आ जाते हैं तो ग्रोसरी का सामान कहाँ से लेना चाहिए, कौन सी दुकानें वगैरह सस्ती होती हैं और क्या सिस्टम होता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताने लगूँ। और फिलहाल मैं हूँ लिस्बन में कोलंबो में, ये एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने लिए जो मर्ज़ी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर आपने भी शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ आप भी यहीं पे आएँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं और आपको एक ही छत पे एक ही जगह पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आइए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कितनी महंगी हैं कितनी सस्ती हैं, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। तो अगर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एनी वे लेट्स गो इनसाइड, तो एक एक चीज़ देखते हैं कि कितनी की महंगी है। तो जी सबसे पहले हमने ये कार लेनी है, गाड़ी ठीक है, जिन्होंने तुसी ट्राली कहते हो, तो लेट्स गो। तो जी हम ये आयल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये जैतून का आयल है 4 यूरो 42 सेंट में, कभी कभी ये 4 यूरो में भी मिलता है। तो मुझे एक ये चाहिए, खाना मैं इसी के साथ बनाता हूँ। और ये जो नॉर्मल आयल है देखें बहुत डिस्काउंट लगा हुआ है, वैसे नॉर्मल 2 यूरो का है लेकिन आज 1 यूरो 61 सेंट का है, क्या बात है। तो ये मैंने 2 ले लिए, इससे आप बताता पोटैटोज़ वगैरह बना सकते हैं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अंडिया भी एक लेना है ठीक है, ये अंडे की प्राइस होगी 2 यूरो 40 सेंट। और ये साथ दूध है, दूध आपको 1 यूरो थोड़ा महंगा हो गया लेकिन आपको 80 सेंट में भी मिल जाता है, जैसे कि ये वाला दूध का पूरा पैकेट हमने एक लेना है। तो जी अभी हमने ये लिया और अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कि जो हमने शैम्पू वगैरह लेने हैं, ये लड़कियों का मेकअप वगैरह हो गया एक एक चीज़। तो जी यहाँ पर फेस मास्क वगैरह सब कुछ हैं, बॉयज़ का गर्ल्स का एक एक चीज़। तो यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह होगी, एक टूथपेस्ट भी चाहिए अच्छा हुआ नज़र आ गई, सेंसोडीन 3 यूरो में लगी हुई है, ये भी एक ले ली हमने। और यहाँ पे ब्रश वगैरह हैं, अलग अलग कैटेगरी के टूथ ब्रश हैं। तो जी मुझे एक हेल एंड शोल्डर भी चाहिए ठीक है, जैसा कि अब ये हमें मिल गया ठीक है, आज डिस्काउंट में 1 यूरो लगा हुआ है, ये 449 का लगा हुआ है। और पैंटीन मीन कि आपको एक एक चीज़ मिल जाती है, और मुझे एक पैंटीन भी चाहिए। और जब आपने भी लेना है ये देखें, एक 4 यूरो में है, जो बड़े वाला है 7 यूरो में है, ऐसे ऐसे करके। और लेकिन आपने जब भी लेना है ये 3-in-1 वाला लीजिएगा, इसका मैं भी यही यूज़ करता हूँ ठीक है। तो ये 6 यूरो में है, कलर्स वगैरह हैं आप ये भी ले सकते हैं, 6 यूरो में 5 यूरो में आपको मिल जाता है हेयर कलर वगैरह। तो जी अभी हमने फेस वाश लेना है अपने लिए, और मैं आपको दिखा दूँ जैसा कि यहाँ पर फेस वाश अलग अलग कैटेगरीज़ के लगे हैं ठीक है, तो आप भी ये वाला ले सकते हैं, लेकिन मैं जो सा ये इन दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करता। तो जी जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला ठीक है, जो ये तकरीबन बहुत अच्छा है, ये 7 यूरो 29 सेंट का है, लेकिन कभी कभी ये 6 यूरो में भी होता है, तो एक हमने ये भी ले लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पैम्पर्स वगैरह हैं ठीक है, पैम्पर्स की प्राइस भी आप देख लें, कोई 8 यूरो में है कोई 7 यूरो में है ठीक है, तो लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ओहो इस गली में तो हम गलत गली में आ गए, ये सारी चीज़ें हैं, ओह ये गलत एरिया में मैं आ गया, लेकिन चले देख लें जनाब, ये वो चीज़ें हैं जिससे पूरी दुनिया ही चल रही है ठीक है। ये आपको यहाँ पे ठीक ठाक महंगे मिलते हैं ठीक है, 8 यूरो 39 सेंट में। ये चीज़ें बच्चों के देखने वाली नहीं हैं, जो बड़े हैं बस वही अमल करें इस पर ठीक है। और जब आप आते हैं तो जनाब बच्चों को इन गलियों में ना लेके आएँ, यहाँ पर गेम्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा महंगी होती हैं यूरोप में ठीक है, जैसा कि अभी ये आए हुए हैं पेरेंट्स वगैरह और ये बच्चे इनको तंग कर रहे हैं कि असी भाई लेनी है। तो जैसे कि ये अभी ये गाड़ी है ठीक है, ये 32 यूरो में लगी हुई है, नीचे जाएंगी और भी हैं, ये एक रोबोट है 60 यूरो में, ये भी आपका डेंजर जोन ही है, बच्चों को यहाँ पे लेके आएंगे तो जनाब आपके पैसे ख़त्म ही हो जाएंगे। डॉल वगैरह यहाँ पे एक एक खिलौना बहुत एक्सपेंसिव होता है ठीक है, छोटे से छोटा 17 यूरो का 15 यूरो का।
और यहाँ पे आपको घर में जो आम रूटीन की चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, जैसे कि ये टॉयलेट के लिए ये मुझे भी चाहिए था, ठीक है। ये पाकिस्तान में मैं ढूंढ रहा था तो जनाब मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी, ठीक है। ये टॉयलेट के अंदर ही हम लगाते हैं, जब फ्लश करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। तो ये 3 यूरो का हमें मिला है। तो ये फ्रूट्स का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट्स की आप कीमत देख सकते हैं। ये मैंगो भी है यहाँ पे, इस किस्म का मैंगो है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का मैंगो है वो कमाल का है जनाब, ठीक है। यहाँ पे 1 पीस है हाली मैंगो का, 1 यूरो 69 सेंट का। तो जी यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह है, और फास्ट फूड से मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे अगर आप लीडर से लेते हो तो आपको हलाल नहीं मिलता। जैसे कि ये मैंने अभी ली है, ये फ़िश है, फ़िश हम ले सकते हैं। मैंने एक फ़िश का पैकेट लिया, ये देखें मुझे 13 यूरो में मिलेगा, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, 26 यूरो। तो मुझे एक चाहिए क्योंकि ये ठीक है, ये आप फ्राई करके खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको चिकन वगैरह हलाल नहीं मिलता, लेकिन मिलता है, लेकिन एशियन दुकानों से मिलता है। लेकिन तो जी इस गली में आपको केचप वगैरह, आपको मायोनीज एक एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है। केचप वगैरह आपको 1 यूरो 150 में मिल जाती है यहाँ पे। और जैसा कि इस गली में आपको एक एक चीज़ मिल जाती है, और मेरे हाथ में हैं ये रोटियाँ, और ये रोटियाँ मुझे तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन लोग लेके जाते हैं, ये इसको मैं वापस ही रख देता हूँ। ये 3 यूरो में लगी हुई हैं, और इसमें होते हैं 6 पीसेस। तो मुझे तो लेकिन ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही बनाना अच्छा लगता है। और अभी चीनी देखनी है, चीनी आपको दिखानी है। ये एक चीनी का पैकेट ले लेते हैं, ठीक है। चीनी का पैकेट है 1 यूरो 39 सेंट का। तो जी अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि पुर्तगाल में बासमती राइस, ये बहुत क्वालिटी के राइस हैं। और जनाब जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और नेपाली हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही बासमती राइस के पीछे पड़ गए हैं। तो ये अगर आपने लेने हैं, मैंने भी ले लिया, वरना तो मैं किसी देसी शॉप से ही लेता हूँ। तो जनाब ये मुझे मिला है 5.5 यूरो में, थोड़ा सस्ता मिला, 2.5 किलो का है, डिस्काउंट में लगा था, तो ये भी मैंने ले लिया। तो ये अभी लेज का एरिया है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लेज वगैरह हर किस्म की मिलती है आपको, क्योंकि बच्चे बड़े शोर डालते हैं लेज खानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेज वगैरह 1 यूरो की मिल जाती है, उससे अच्छी 1.5 यूरो की मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये भी मिल जाती हैं बने बनाए, इसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा यार, क्या बोल दिया उसको, जिसको नाम आता है वो कमर्स में इसका नाम लिखे, फुल्ले नहीं नहीं। तो जी ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ठीक है। ये रेड बुल है जो कि 150 का मिलता है, ठीक है। तो मुझे आगे से लेना है, वो पूरा पैकेट ही होता है। ये मेरा ये बड़ी बहन की यार हाइट देख, इतनी लंबी, मैं भी इसके सामने बच्चा लग रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक, फंटा, कोला, एक एक चीज़ आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपने एक लेनी है तो आपको यहाँ पे मिल जाती है 1.5 यूरो की, कभी कभी डिस्काउंट में, जैसे कि ये लगी हुई है 1 लीटर की, 1 यूरो 39 सेंट की कोला मिल जाती है। और मैं जिन रेड बुल की बात कर रहा था वो ये वाली हैं, ठीक है। मैं 2 लेता हूँ तो ठीक है, ये हमें 2 मिलती हैं 2 यूरो 79 सेंट में, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ 4, ठीक है। मुझे ये वाली पैकिंग अच्छी लगती है। और अगर मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान के लिए मैं क्या लेता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ, मैं पूरे के पूरे ये वाले पीस लेता हूँ, और बाद में आपको बर्तन धोने की भी वैसे नीड नहीं होती, तो मैं तो ये पूरा ही लेता हूँ, पेप्सी या कोला का। तो एक पीस पड़ता है 77 सेंट का। तो जी ये है कोलंबो। तो जी अभी हमें बिल वगैरह करवाना है, क्योंकि सामान बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो अभी आपको बता दूँ कि ये कितना खर्चा हुआ है, और सामान इतना ज़्यादा है कि मैं सारा अकेले नहीं उठा सकता, ओला बता। तो जी ये हमने पूरे का पूरा सामान ले लिया है, शुगर, ये वो, इधर उधर एक एक चीज़ ले ली है, आप देख सकते हैं, और सामान कुछ ज़्यादा हो गया है। अभी मैं कोलंबो से निकला हूँ, और ये आप लिस्ट देखें, इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो ये पूरा जो मैंने पे किया है, ये 42 ओला तुद भाई, और जैसा कि मैंने 42 यूरो और कुछ सेंट पे किए हैं, जिसको 42 यूरो आप बोल सकते हो। तो जनाब मैंने टोटल ये जो भी चीज़ें ली हैं आपके सामने ली थी, और इनका 42 यूरो बन गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आप कमेंट्स कर सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक, मेरी अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। ओला तो जनाब एक और चीज़ तो जनाब आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से आपके अंगूठे में दर्द कभी भी नहीं होता। तो आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।